जी हाँ, लगातार कई दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावटें देखने को मिली। आपको बता दें कि आज भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावटें देखने को मिली। वही लॉकडाउन 3 की वजह से सोने और चांदी की मांग में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से लगातार कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जिसको लेकर यहाँ पर बड़ी खबर है। लेकिन इससे पहले दिल को सुकून देने वाली बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस पर इस देश से आई गुड न्यूज, खुफिया लैब में तैयार किया गया वैक्सीन। जी हाँ, भारत में वैक्सीन की ट्रायल शुरू हो चुकी है। ऐसे में कोरोना से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए भारत का मित्र देश यानी कि इसराइल से बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इसराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन ढूंढ ली है। घातक बम बनाने वाली इसराइल की लैब ने कोरोना वैक्सीन खोजने का दावा कर दिया है। वहीं पूरी दुनिया को कोरोना वायरस को हराने वाली वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में इसराइल ने दावा किया है कि वैक्सीन को लेकर दुनिया का इंतजार अब खत्म हो चुका है। इसराइल ने दावा किया है कि उसने वैक्सीन बना ली है। ये खबर किसी मीडिया ने नहीं बल्कि इसराइल के रक्षा मंत्री ने दी है। रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि ये वैक्सीन शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म करने में सक्षम है। ये वैक्सीन वायरस को शरीर के दूसरे हिस्से में फैलने से रोकता है। इसराइल का कहना है कि जल्द ही इसे पूरी दुनिया के सामने लाया जाएगा और हर देश की मदद भी की जाएगी। इसी के साथ में आपको बता दे कि पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाली कई बीमारियों की वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनी ने भी कोरोना वायरस की दो वैक्सीन बना दी है, जिसका क्लिनिकल ट्रायल केंद्र सरकार ने दे दिया। अगर आप भी चाहते हो कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन आ जाए तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। चलिए, तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस अपने पैर पसारते जा रहा है। ऐसे में कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द बन जाती है तो ये बड़ा फायदा पूरी मानव सभ्यता को होगा, कई लोगों की जान बच जाएगी। चलिए, तो अगली खबर है कि आज कम हुई सोने चांदी की कीमत, जानिए कितने रुपए गिरी नीचे। जी हाँ, लॉकडाउन 3 के कारण सोने चांदी की मांग घटी है। मांग कम होने की वजह से दूसरे कारोबारी दिन में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। वही कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि विदेशों में कमजोरी के रुख के बाद कारोबारियों ने अपने जमा सौदों की कटान की है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सोने की बिकवाली की है, जिससे कि वायदा कारोबार में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिले। वही कीमतों की बात करें तो आज सोने के भाव में 170 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद सोने का भाव 45,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वही चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी के भाव में 590 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और इससे पहले चांदी के भाव में 900 रुपए की गिरावट दर्ज की गई थी और इसके बाद चांदी का भाव 41,080 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। चलिए, तो सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पर कोरोना वायरस ने दस्तक नहीं दी। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके लिखना है और इसी के साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर भी करना है। सही जवाब देने वाले विजेताओं को दिया जाएगा गोल्डन बीज की ओर से पेटीएम कैश। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।